हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर बायो मैग्निफिकेशन। देखो, बायो मैग्निफिकेशन जो है इट इज़ आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। होता क्या है कि इट इज़ एक्चुअली द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसफुली हायर लेवल इन द फूड चेन। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वी हैव द ऑर्गेनिज्म, अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो फीड करता है किसी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट पे, तो जब वो फीड करेगा किसी भी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट पे, तो होगा क्या कि वो कंज्यूम करेगा सम टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं ये हो जाएंगे एकुमुलेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब ये सब्सटेंस जो है एकुमुलेट होंगे इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन दे इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सिंपल करके कि अगर कोई एनिमल जो है वो फीड करता है सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस पर, या व्हेन कोई एनिमल जो है फीड करता किसी फूड पर और जो फूड है वो कंटेन करता टॉक्सिक सब्सटेंस, देन अलोंग विद फूड जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, और जब वो एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उसकी वजह से वो इंटरफेयर करेगा विद द फंक्शनिंग ऑफ द एनिमल बॉडी एंड इट आल्सो लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। उसी को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। सो कहता है कि सिंपल करके इट इज़ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट इज हायर लेवल इन अ फूड चेन। वी नो दैट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है फ्रॉम वन अनदर फॉर फूड और फॉर शेल्टर, एंड ट्रांसमिशन ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर या फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, उसे हम बोलते हैं दैट इज योर फूड चेन। तो कहता है जो इंक्रीज होता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बहुत रीजन उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है पेरिसिस्टेंस। तो ये क्या है, वेयर द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय इन्वायरमेंटल प्रोसेस। जैसे वी हैव नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस विच आर नॉट डिग्रेडेबल बाय द इन्वायरमेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पर जब ये ऑर्गेनिज्म जो हैं जब ये फीड करेंगे तो वो डायरेक्टली उनकी बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर जो है ये एकुमुलेट हो जाएंगे। दूसरा आपका है फूड चेन एनर्जेटिक्स। इन दिस केस द सब्सटेंस जो है कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एज इट मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू अ फूड चेन। उसके बाद तीसरा आता है आपका लो और नॉन एक्सटेंट रेट ऑफ इंटरनल डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। कुछ ऐसे केस होते हैं कि जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपरली सब्सटेंस को एक्सक्रीट ही नहीं कर पाता है ड्यू टू द लो इंसॉल्युबिलिटी वाटर इंसॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। देखो, एक्सक्रीशन की बात की जाए तो मेनली फॉर एक्सक्रीशन व्हाट वी रिक्वायर दैट इज जो सब्सटेंस है वो वाटर में सॉल्युबल होंगे तो रिमूव हो जाएंगे, बट इफ द सब्सटेंस आर इंसॉल्युबल इन वाटर देन वो इजिली एक्सक्रीट नहीं होंगे। Now we can say that biomagnification, it stands for biological magnification, and jiska matlab hai increase of contaminated substances or toxic chemicals that takes place in a food chain. So the increase in the concentration of toxic substances as it passes from one tropic level to another, matlab when passes through a food chain process ko bolenge hum biomagnification. These substances often arise from intoxicated or contaminated environment. And yes, jo substance hai ye kahan se arise hote hain, that is from the intoxicated and contaminated environment. And the contaminants are the substances that contaminates the environment, and it includes your heavy metal like mercury, arsenic, pesticides such as DDT and polychlorinated biphenyls compound, which are then taken up by
organism because of the food they consume or intoxication of their environment. सो जो ये pollutants और contaminants हैं, we have different types of contaminants, जैसे mercury है, arsenic and pesticides हैं, जो ट्रांसफर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म पर, कब, जब वो फूड पर कंज्यूम करते हैं, द फूड विच गेट कंटेमिनेटेड बाय दिस कंटेमिनेंट्स. ओके, नाउ एक डेफिनेशन है इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग, दैट इज क्या है, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन. इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्युमुलेट सर्टन केमिकल टू अ कंसंट्रेशन लार्जर देन द that carrying in their inorganic non-living environment or in the case of animal in the food that they eat. Simple matlab ki increase in concentration of the toxic animal, matlab for example agar ye food hai, is food par koi animal jo hai aur isme ye toxic substance present hai, to yahan par concentration jo hai lad bhi jo hai 20% hai, lekin jab ye animal is par feed karenge to concentration increase jayegi, now it became lad bhi 30%. जब इस पर दूसरा एनिमल जो है फीड करेगा, नाउ है इट बिकम 40%. सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन दे पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर और थ्रू अ फूड चेन, उसे हम बोलते हैं दैट इज बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्युमुलेशन. ठीक है ना, और क्यों ये इंक्रीज होते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी होती है कि ये इन केमिकल्स को एक्युमुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है इंक्रीज. सो उसके बाद अब आता है दैट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस बायो मैग्निफिकेशन. तो सबसे पहला आपका जो काज है दैट इज योर एग्रीकल्चर. देखो एग्रीकल्चर में हम जो ऐड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप प्लांट. बट होता क्या है, ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये केमिकल्स हैं, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं. जब ये सॉइल में डिजॉल्व हो जाते हैं तो विद अलॉन्ग विद रन ऑफ वाटर, मतलब जब बारिश वगैरह आती है तो ये जो हैं ये टॉक्सिक केमिकल अलॉन्ग विद द वाटर ये चले जाते हैं रिवर्स में, लेक्स में एंड सी में. जिसके बाद द प्राइमरी एग्रीकल्चर इंपुट्स इंक्लूड्स पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट वेस्ट, सम फर्टिलाइजर, स्पेसिफिक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स सच एज आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर एंड लेड. एंड ये जो सब्सटेंस ये काज करते हैं सीवियर हेल्थ इंपैक्ट्स टू ह्यूमन एंड एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस व्हेन इनडायरेक्टली ingested and accumulates in the body tissue. तो कहता है कि ये जो different type of substances हैं, ये different type of chemicals हैं, ये cause करते हैं severe health problem in human being as well as in aquatic animals. दूसरा आपका आता है that is organic contaminants. Organic की बात करें तो it includes manure and biosolids जो contain करते हैं nutrients like nitrogen, carbon, phosphorus. ठीक है ना, furthermore क्योंकि because they are industrially processed, क्योंकि इनको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो दे मे गेट कंटेमिनेटेड विद सम दैट इज पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड बिलीव टू हैव नेगेटिवली हेल्थ इंपैक्ट टू वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स. थर्ड आपका आता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड पोल्यूशन. तो इसमें अगर देखें तो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलीज करते हैं टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो मिक्सअप हो जाते हैं इनटू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे एंटर इनटू द रिवर, लेक एंड ओशन. और ये जो हैं ये काज करते हैं पोल्यूशन, दैट इज सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, और जो ऑफकोर्स then these toxic substances through a food chain they leads to biomagnification. उसके बाद आपका आता है माइनिंग एक्टिविटीज. देखो माइनिंग एक्टिविटीज जो हैं जो डीप ओशंस में की जाती हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मिनरल मेटल्स लाइक जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड. ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं द ओशंस को एंड कोस्टल रीजन्स को. तो ये जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फाइड्स, सेलेनियम डिपॉजिट इन द वाटर एंड जो लेवल है इनका ये बिल्डअप हो जाता है इन केमिकल्स का, और जो इन केमिकल्स को फिर इन पर ऑफकोर्स फीड करेंगे कौन से, दैट इज ओशन क्रिएचर्स इन पर जो है कंज्यूम करेंगे. ठीक है, और वो
इसी तरह से जो ये हैं ये पास होंगे फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। और ये सब्सटेंस जो है अगेन दे आर वेरी दैट इज हार्मफुल फॉर दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन में जो आप बात करें दैट इज वी कैन से दैट इज आर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट नियर और इन वाटर बॉडीज ना तो डायरेक्टली हार्मफुल है टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, बट ये इट आल्सो पासेस फ्रॉम अदर एनिमल अप टू द ट्रॉपिक लेवल। इन जर्नल रिसर्च जो है ये शो करते हैं कि जो प्लास्टिक कंटेन अ हार्मफुल केमिकल, याद रखो दिस इज इंपॉर्टेंट, बिसफिनोल, ये कंटेन करते हैं विच इज़ वन ऑफ द मेजर कंटेमिनेट रिलीज इन टू द वाटर बॉडीज एंड वंस इन द बॉडी ऑफ द फिश एज वेल एज द माइन्यूट डिसइंटीग्रेटेड प्लास्टिक पार्टिकल्स दे आर टेकन अप बाय, जब एक बार ये फिश में एंटर हो गया, फिश ने इन पर कंज्यूम किया, देन ये पास होंगे फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल और इनका जो है कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद आपका आता है टॉक्सिक गैसेस। देखो टॉक्सिक गैसेज इन एयर पोल्यूशन मेनली जो गैसेज जो हैं वो रिलीज होती हैं इन टू द एयर, बट जब हम बात करते हैं रेन की तो जैसे हम बात करते हैं वीटॉक वोट एसिड रेन, तो ये जो केमिकल्स हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रेन, जब बारिश होती है तो ये रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और फॉल करते हैं एज अ एसिडिक रेन, और ये जो एसिडिक रेन है दे आर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, सो ये भी जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, दैट इज़ फॉर बायो मैग्निफिकेशन। सो ये था आपका दैट इज़ अ बायो मैग्निफिकेशन एंड काज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अफेक्ट ऑफ बायो